पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी का नाम यहाँ पर काफी उगने वाले एक पौधे मंसूर के नाम पर रखा गया है, इसलिए लोग इसे मंसूरी भी कहते हैं। मसूरी एक बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी विजिट करने का बेस्ट टाइम है आपकी गर्मी की छुट्टियां, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए टूरिस्ट्स मार्च टू जून यहां विजिट करते हैं, जो मसूरी का पीक सीजन है। मसूरी टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि यहां का कूल वेदर, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, एंशियंट टेम्पल्स, रोपवेज और एडवेंचर पार्क्स आपकी समर वेकेशन को एंजॉयबल बना देंगे, जहां आप 3 दिन आराम से रह सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपका मसूरी का ट्रिप प्लान करने में आपकी मदद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मसूरी बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय रोड कैसे पहुंच सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि मसूरी में बेस्ट और बजटेड होटल कौन सा है। यहाँ आप साइट सीइंग के लिए 2-व्हीलर और 4-व्हीलर रेंट पर ले सकते हैं, और मसूरी के टूरिस्ट प्लेसेस जो आपको जरूर विजिट करने चाहिए। मसूरी बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन आराम से पहुंचा जा सकता है। अगर आप मसूरी बाय एयर आना चाहते हैं तो मसूरी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो मसूरी से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप मसूरी बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मसूरी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जो मसूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके साथ ही मसूरी बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है, जहां से आपको मसूरी आने के लिए बसेस और शेयर्ड टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपको 1.5 घंटे में मसूरी मॉल रोड तक पहुंचा देंगी। मसूरी में स्टे करने के लिए आप अपना होटल मॉल रोड या उसके आसपास ही बुक करें, जैसे कि मैंने बुक किया था होटल हिमालयन क्लब, जो कि मसूरी पिक्चर पैलेस बस स्टैंड से 450 मीटर या 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आइए अब आपको ले चलता हूँ होटल हिमालयन क्लब मसूरी के होटल और रूम टूर पे। तो ये है मेरे मसूरी होटल हिमालयन क्लब का रूम टूर, और ये रूम है, ये इसकी वुडन सीलिंग है, यहाँ पर फैन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मौसम रात को ठंडा हो जाता है। और जो सबसे अच्छी चीज़ इस रूम में है वो है इस रूम का व्यू। देखिए, अमेजिंग व्यू दिस इज। ये देखिए, बादल दिखाई दे रहे हैं और मैं इस वक्त 6000 फीट की हाइट पर हूँ। मेरा होटल रूम जो है दैट इज एट अ हाइट ऑफ 6000 फीट। आइए आपको वॉशरूम भी दिखा दें, क्योंकि वॉशरूम साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। ये वॉशरूम है इसका छोटा सा, गीजर फिटेड है, ये सीट है। वॉशरूम छोटा है पर नीट एंड क्लीन है, और हमने कौन सा यहाँ पे कोई फुटबॉल खेलनी है, जो हमें बड़ा वॉशरूम चाहिए। और हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों की फैसिलिटी है, गर्मियों का टाइम है फिर भी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों की फैसिलिटी है फॉर बेथिंग एज वेल एज फॉर वॉशिंग योर हैंड एंड अदर पर्पजेज। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये है होटल हिमालयन क्लब मसूरी का डाइनिंग एरिया। और अब आप देख सकते हैं हमारे मसूरी होटल स्टे का कॉम्प्लीमेंट्री बफे ब्रेकफास्ट, जो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है। Hear me out,
हिमालयन क्लब ब्रिटिश राज की एक ओल्ड बिल्डिंग में है जिसे 1840 में बनाया गया था। मसूरी साइट सीइंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टू व्हीलर ले सकते हैं जिसके आपको पे करने होंगे अराउंड 1000 रुपीज, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कैब रेंट कर सकते हैं जिसके आपको देने होंगे 3500 to 4000 रुपीज। मसूरी में अपने डे वन की शुरुआत आप करें कैंपटी वाटरफॉल्स को विजिट करके जो मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कैंपटी वाटरफॉल सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। कैंपटी फॉल्स आप दो रास्तों से जा सकते हैं। पहला है पैदल रास्ता जिसके लिए आपको 20 मिनट वॉक करना पड़ेगा। दूसरा है रोपवे जिसकी टिकट है ₹200 पर पर्सन फॉर बोथ साइड्स, और आप एक मिनट में कैंपटी फॉल पहुंच जाएंगे। सन 1835 में कैंपटी वाटरफॉल्स को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया था ब्रिटिश ऑफिसर जॉन मैकिनन ने, और कैंपटी वाटरफॉल्स का नाम कैंप और टी दो वर्ड्स से मिलकर बना है। कैंपटी फॉल्स में आप 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं, रिफ्रेशिंग बाथ ले सकते हैं, और यहां आपको नॉमिनल रेट्स पे चेंजिंग रूम्स भी मिल जाएंगे। कैंपटी फॉल्स विजिट करने के बाद कैंपटी फॉल्स से वापस आते वक्त आप 7.5 किलोमीटर की दूरी पर जरूर विजिट करें संतुरा माता का मंदिर। संतुरा माता का मंदिर पहाड़ों पर है जहां आपको माता रानी के दर्शन के लिए 10 से 15 मिनट ट्रैक करके जाना होगा। अब हम चढ़ रहे हैं संतुरा माता मंदिर की। संतुरा माता दुर्गा माता का ही अवतार हैं, जिन्होंने 1991 के उत्तरकाशी के भूचाल से मसूरी शहर की रक्षा की थी। माँ दुर्गा के दर पर आया है जो, कोई ना कोई वर पाया है वो। संतुरा देवी मंदिर के आसपास एक दूसरे से टकराती पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू प्रोवाइड करती हैं। संतुरा माता के दर्शन करने के बाद आइए चलते हैं कंपनी गार्डन, जो संतुरा देवी टेंपल से 7.5 किलोमीटर और मॉल रोड से 4 किलोमीटर दूर है, जहां एंट्री टिकट है ₹50 पर पर्सन। कंपनी गार्डन, जिसे म्यूनिसिपल गार्डन और कंपनी बाग भी कहते हैं, एक बहुत ही कलरफुल गार्डन है जो मसूरी की मेजर पिकनिक लोकेशन है। कंपनी गार्डन को भारत की आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था। कंपनी गार्डन में आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर एक एम्यूजमेंट पार्क भी है। कंपनी गार्डन का ये मिनी लेक और उसमें ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। यहाँ पर एक छोटा आर्टिफिशियल लेक है जहाँ पर आप पैडल्ड बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ के फूड कोर्ट में आपको वैरायटी ऑफ फूड और स्नैक्स भी मिल जाएंगे। कंपनी गार्डन में आपको 800 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, और कंपनी गार्डन की अपनी नर्सरी भी है। कंपनी गार्डन में प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद तैयार हो जाइए दलाई हिल्स जाने के लिए, जो कंपनी गार्डन से 2.5 किलोमीटर दूर है। दलाई हिल्स, जिसे हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है, मसूरी की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। दलाई हिल्स के 3 पार्ट्स हैं, पहला बुद्धिस्ट टेंपल, दूसरा स्तूपा और तीसरा दलाई हिल्स। दलाई हिल्स पर 5 मिनट का ट्रैक करने के बाद आप इस मॉन्यूमेंट के सामने होंगे जिसे स्तूपा कहते हैं। दलाई हिल्स के टॉप तक पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा। दलाई हिल्स और हैप्पी वैली में तिब्बतन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। दलाई हिल्स को हर तरफ इन बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स से सजाया गया है, और दलाई हिल्स के टॉप पर पहुंचकर आपको भगवान बुद्ध की ये बहुत सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। दलाई लामा जब भी मसूरी आते हैं तो वो भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा के सामने बैठकर लोगों से बात करते हैं। ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं,
ये है IAS ट्रेनिंग सेंटर, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लबासना का पोलो ग्राउंड, जो दलाई हिल्स के टॉप से दिखाई देता है। दलाई हिल्स से नीचे आकर आप बुद्धिस्ट टेंपल भी ज़रूर विजिट करें, जो बहुत ही यूनिक, कलरफुल और ब्यूटीफुल है। मसूरी के इस ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेंपल में आपको टिबेटियन कल्चर और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस की झलक देखने को मिलेगी। दलाई हिल्स और बुद्धिस्ट टेंपल पर आप एक घंटा स्पेंड कर सकते हैं। शाम को आप मॉल रोड की सैर कर सकते हैं, जो पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी चौक तक का 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए आपको पैदल आधा घंटा लगेगा। मॉल रोड मसूरी की सबसे हैपनिंग प्लेस है, जहां आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मूवी थिएटर, आइसक्रीम पार्लर्स, ब्रांड स्टोर्स और शॉप्स मिल जाएंगी, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मसूरी में अपने पहले दिन को एंड करें आप मॉल रोड पर टर्किश आइसक्रीम टेस्ट करके, जिसकी आपको काफ़ी सारी आउटलेट्स मिल जाएंगी। मसूरी में अपने दूसरे दिन की शुरुआत करें आप धनोल्टी इको पार्क जाकर, जो मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। नेचर लवर्स धनोल्टी इको पार्क जरूर विजिट करें, जिसकी एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन। धनोल्टी इको पार्क में आपको देवदार ट्रीज देखने को मिलेंगे। इस इको पार्क में आप पेड एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि मौसम सही होना चाहिए। यहाँ दो इको पार्क्स हैं जो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं, जिनका नाम है अंबर और धारा। ये पार्क बहुत वेल मेंटेन्ड है और इसकी खास बात ये है कि इसे धनोल्टी के लोकलाइट्स की मदद से डेवलप किया गया है, जहां आप नेचर वॉक ले सकते हैं। धनोल्टी इको पार्क को आप 2 से 3 घंटे में एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है। इको पार्क के बाहर आपको खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। धनोल्टी इको पार्क से 6 किलोमीटर दूर हमारी अगली डेस्टिनेशन है सुरकंदा माता मंदिर। सुरकंदा देवी मंदिर शक्तिपीठ है और मां का यह मंदिर ऊंचे पहाड़ों में है। मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रोपवे, जिसके आपको पे करने होंगे आने जाने के 205 रुपये पर पर्सन, और दूसरा है पैदल रास्ता, जिसमें आपको 2 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर जाना होगा, जिसमें आपको 30 से 45 मिनट लग सकते हैं एक साइड जाने के। माता का ये स्थान 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां सती माता का सर गिरा था, इसीलिए इस मंदिर का नाम है सरकंदा देवी मंदिर। सरकंदा देवी टेंपल सती माता यानी माता पार्वती को डेडिकेटेड है और हर साल मई और जून में यहां गंगा दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु भाग लेते हैं। शक्तिपीठ होने के साथ साथ सुरकंदा देवी मंदिर अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए फेमस है और साल के ज़्यादातर महीनों में सुरकंदा देवी मंदिर का सराउंडिंग एरिया धुंध से ढका रहता है। धनोल्टी इको पार्क और सुरकंदा देवी टेंपल कवर करके आप दिन ढलने से पहले मसूरी वापस आ जाएंगे और शाम को आप मसूरी के छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर लें, जैसे कि लाइब्रेरी बाजार। लाइब्रेरी बाजार मॉल रोड पर लोकेटेड है, जहां पर काफी रौनक रहती है।
मॉल रोड पर आप गनहिल पॉइंट भी जा सकते हैं, जहां पर रोपवे से ही जाया जाता है, जिसका टिकट है 180 रुपीस पर पर्सन फॉर बोथ साइड्स। गनहिल मसूरी की सेकंड हाईएस्ट और हिस्टोरिकल पीक है, जो मॉल रोड से 400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां से आप हिमालयन रेंज और दून वैली देख सकते हैं। गनहिल पॉइंट पर एक मार्केट बना हुआ है, जहां पर पहुंचकर आपको खाने पीने की, शॉपिंग करने की और गेम्स की बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी। और मसूरी में अपने सेकेंड डे को आप एंड करें कैमल्स बैक रोड जाकर, जहां पर इस लोकेशन से आप कैमल्स बैक रॉक फॉर्मेशन देख सकते हैं। डे 3 की शुरुआत आप भट्टा फॉल्स जाकर कर सकते हैं, जो मसूरी से 10 किलोमीटर दूर है। ये एक रिसेंटली डेवलप्ड पिकनिक स्पॉट है। भट्टा फॉल्स में आपको नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जहां पर लोग बाथ लेना भी पसंद करते हैं। भट्टा फॉल्स को देखने के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन अगर आप रोपवे से भट्टा फॉल्स आते हैं तो एडवेंचर पार्क का टिकट इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज 150 रुपीज। भट्टा फॉल्स में आपको छोटी छोटी ईटरीज मिलेंगी और आप फॉल्स में बैठकर खाना पीना इंजॉय कर सकते हैं। भट्टा फॉल्स में आप 2 घंटे स्पेंड करने के बाद जा सकते हैं मसूरी लेक, जो भट्टा फॉल से 5 किलोमीटर दूर है। मसूरी लेक का टिकट है 12 रुपीज पर पर्सन और यहां तक जाने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियां उतरकर जाना पड़ेगा। मसूरी लेक में आप पैडल्ड बोटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं और यहां पर लेक के अराउंड खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स भी हैं। मसूरी लेक एक मोस्ट विजिटेड पिकनिक स्पॉट है, जहां आप आराम से 2 घंटे बिता सकते हैं। डे 3 पर आप लैंडोर जा सकते हैं, जो अपने कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर और हाई एल्टीट्यूड पॉइंट्स के लिए जाना जाता है। लैंडोर जाते हुए आप 4 दुकान भी जा सकते हैं, जो लैंडोर में 4 दुकानों की एक लाइन है, जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा और यहाँ एक दुकान 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके आगे आप लाल टिब्बा जा सकते हैं, जो लैंडोर का हाईएस्ट पीक है और यहाँ पर कैफेज भी हैं। लाल टिब्बा कैफे के टॉप पर लगे बाइनोकुलर से आप हिमालयन रेंजेस देख सकते हैं और सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, पर एंट्री यहाँ तभी अलाउड है अगर आप यहाँ से खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। जिंदगी की तरह ये वादियाँ भी कितनी हसीन हैं, आसमान नीला और ज़मीन रंगीन है। तो मेरी तरह आप भी इस वीडियो को देखकर 3 दिन का अपना मसूरी का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल मोहित भंडारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं किसी नए सफ़र पर अगली वीडियो में।